हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे एक्सरे फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज दैट इज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है कि एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं तो लेट अस सपोज दिस इज़ एन एक्स रे ट्यूब और ये एक्स रे ट्यूब का कैथोड है और ये वाला इलेक्ट्रोड एक्स रे ट्यूब का एनोड है तो आपको पता ही है कि जब कैथोड को हाई वोल्टेज दी जाती है तो यहां से क्या होता है थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उन इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती हैं तो जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एनोड के साथ कोलाइड करते हैं बम्बारमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपनी सारी स्पीड या सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं और इनको एक्सरेस बन जाते हैं और ये यहां एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं सो व्हेन द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड लूज एनर्जी इन द टारगेट ऑफ द रे ट्यूब रेज आर प्रोड्यूसड तो यहां एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं तो आपको ये भी पता है कि रेज लेस देन वन परसेंट प्रोड्यूस होते हैं और वहां पे मोर देन नाइनटी नाइन परसेंट हीट प्रोड्यूस होती है तो अब हम देखेंगे कि ये एक्सरे जो प्रोड्यूस होते हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं हां दोस्तों देखिए जो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं ना यहां पे ये दो प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं कितने दो प्रोसेस से नंबर वन प्रोसेस क्या है कि अगर मैं मान लेता हूं कि ये एन, एनोड किसका बना होता है एनोड तो टंगस्टन का बना होता है लेट अस सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द टंगस्टन एटम एंड दिस इज द फर्स्ट शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन दिस इज द सेकंड शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स तो अब यहां पे एक्सरेज दो प्रोसेस से मैंने बोला कि प्रोड्यूस होते हैं पहली प्रोसेस में क्या होता है पहली प्रोसेस में जो क्या थोड़े से इलेक्ट्रॉन आता है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो जब वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है वहां पर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं तो जो यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यू न्यूक्लियस इंट्रैक्शन की वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई रेडिएशन प्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं जनरल रेडिएशन और ब्रह्मस्ट्रोहलिंग रेडिएशन ठीक है हाँ तो अब जो दूसरी प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है क्या थोड़ से वो डायरेक्टली इन इंटरेक्ट करता है इनर ऑर्बिट

इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरैक्शन की वजह से और नंबर टू प्रोसेस कैसे होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरशन की वजह से तो दोस्तों अब हम इन को डिस्कस ब्रेमस्ट्रोहलिंग रेडिएशन ब्रेमस्ट्रोहलिंग रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल रेडिएशन इसको हम जनरल रेडिएशन भी बोलते हैं ठीक है देखिए जनरल रेडिएशन हां देखिए लेट सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट मटेरियल और टंगस्टन ये पहली वाली शैल है ये दूसरी वाली शैल है ऐसे ही ये तीसरी वाली शैल है तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन एड सो होता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है यहां से वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है देखिए कैसे जब यहां से इलेक्ट्रॉन आता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है अगर हम

ईसी निकलता है ठीक है हां तो यह क्यों डिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या स्पीड है वो डिक्रीज हुई ठीक है अब जो ये काइनेटिक एनर्जी या जो इसकी स्पीड डिक्रीज हुई किसकी वजह से अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से तो यही जो अट्रैक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी या स्पीड इसकी डिक्रीज हुई इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे ठीक है और इसी एक्सरे या इसी रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्रह्मस्ट्रॉलिंग रेडिएशन और जरर रेडिएशन ठीक है हां देखिए दोस्तों अब आपको यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि अगर क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा अगर ये पास से गुजरेगा न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजरेगा तो क्या होगा ज्यादा अट्रैक्शन होगी ज्यादा एट्रैक्शन होगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये अगर ये नजदीक से गुजरेगा तो हाई एनर्जेटिक एक्सरेज आर प्रोड्यूसर ठीक है तो आपको यहां पे याद रखना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा बहुत करीब से गुजरेगा तो यहां पे कैसी एक्सरेज मिलेगी हमें हाई एनर्जेटिक एक्सरेज हाई एनर्जेटिक एक्सरेज अब इसी का दूसरा एस्पेक्ट लेके कि अब अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर से गुजरेगा तो क्या होगा ये न्यूक्लियस इसको ज्यादा अट्रैक्शन नहीं करेगा तो उसकी वजह से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है या स्पीड होती है तो वो उसमें डिक्रीज कम होगी तो जब उस स्पीड या काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कम होगी तो उसे क्या होगा यहां पे जो एक्सरेज निकलेगी उनकी एनर्जी बहुत कम होगी तो अगर अब मैं क्या बोलूं अगर अब ये दूर से गुजरेगा तो यहां पे लो एनर्जेटिक एक्सरेज निकलेगी ठीक है हां तो अब आपको यहां पे याद रखना है कि ज्यूरिंग दिस ब्रेमेस्ट्रोलिंग प्रोसेस ब्रेमेस्ट्रोहलिंग रेडिएशन क्या होता है कि लो लो एनर्जेटिक एक्सरेज भी निकलती हैं और हाई एनर्जेटिक एक्सरेज भी निकलती हैं ठीक है तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस फोटॉन एनर्जी ग्राफ देखेंगे या एक्सरे एनर्जी ग्राफ देखेंगे तो वो हमें कंटिन्यूस मिलता है क्योंकि इसमें सारी एक्सरेज प्रेजेंट होती हैं हाई एनर्जी वाली भी और लो एनर्जी वाली भी तो वो हमें ऐसे मिलता है ठीक कंटिन्यूअस मिलता है सो फॉर दिस रीजन द ब्रेमस्ट्रोहलिंग रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूस रेडिएशन ठीक है हाँ, तो अब आपको यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि अगर हम हैंड्रेन केवीपी पे देखेंगे अगर हम हैंड्रेन केवीपी पे देखेंगे हैंड्रेन केवीपी पे क्या होता है कि जो ब्रेमिस्ट्रोहलिंग रेडिएशन की वजह से एक्सरेज निकलते हैं ना उनकी कंट्रीब्यूशन 85 परसेंट होती है कितनी 85 परसेंट so, सो ब्रह्मस्ट्रोहलिंग रेडिएशन की अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे हंड्रेड के वीपी पे वो कितनी होती है 85 परसेंट ठीक है हां तो ये था ब्रह्मस्ट्रोहलिंग रेडिएशन नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ठीक है हा रेक्टरिस्टिक रेडिएशन फिर से मैं क्या करूंगा फिर से मैं टारगेट का एक एटम लूंगा दिस इज द न्यूक्लियस दिस इज द केशल दिस इज द एलशल दिस इज द एमशल एंड सोवान ठीक है हाँ तो इस प्रोसेस में जैसे मैंने बोला कि जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो किनके साथ कोलाइड करते हैं इनर ऑर्बिट या इनर शल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ देखिए अगर मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन के, के है के शल इलेक्ट्रॉन है एल शल इलेक्ट्रॉन एम शल इलेक्ट्रॉन ठीक है हाँ तो अब क्या हुआ कि अब यहां से कैथोड से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया उसने इसके साथ कोलाइड किया ठीक है हाँ तो जब ये कोलाइड ये कोलिजन इस प्रोसेस में इतना इंटेंस होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इस एटम को लीव करता है और बाहर जाता है ये रिमूव होता है से तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हुआ ठीक है हाँ तो अब क्या हो जाता है यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है उस वैकेंसी की वजह से क्या होता है कि ये जो एटम होता है ये अनस्टेबल रहता है हाँ, तो इस अनस्टेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या क्या होता है कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसको फिल करते हैं वो इस वैकेंसी को फिल करते हैं ठीक है हाँ देखिए अगर अब क्या होगा इस वैकेंसी को एल एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है या इसी वैकेंसी को फिल करने के लिए एम शेल भी इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है हाँ, तो ज्यूरिंग दिस ट्रांजिशन जूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शल टू केशल और एम शल टू केशल रेज निकलती हैं ठीक है एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं और उन एक्स रेज की एनर्जी कितनी होती है अगर केश अगर एल शल से केशल में आया तो इन दो इन दो ऑर्बिट्स की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एक्स रेज की एनर्जी होगी अब अगर एम शल से के शल में आया तो इन दो ऑर्बिट्स या शेल्स की बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस के बराबर इसकी इन एक्स रेज की एनर्जी होगी ठीक है हां देखिए दोस्तों अब अगर एल शल से के शल में आया एल शल से के शल में ट्रांजिशन हुई वहां पे जो एक्स रे निकलती है उसको हम बोलते हैं के अल्फा रेडिएशन या ट्रांजिशन या के अल्फा एक्स रे इसी तरह अगर एम से के शल में आया तो उसको हम बोलते हैं के बीटा ट्रांजिशन के बीटा एक्सरे ठीक है हाँ तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक <coughs> रेडिएशन हाँ तो अब दोस्तों इस रेडिएशन को हम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं देखिए यहां पे जो एक्सरेज निकलती है ना फॉर एग्जांपल एल शल से के शल में आया तो वहां पे के अल्फा एक्सरे निकली एम शल के इलेक्ट्रॉन आया तो वहां uh, है हाँ तो ये जो निकलती है ना ये स्पेसिफिक एनर्जीज़ पे निकलती है ज्यूरिंग दिस ट्रांजिशन इनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है ये किसी स्पेसिफिक एनर्जी पे निकलते हैं तो फॉर दिस रीजन कि जब ये स्पेसिफिक एनर्जीज़ पे निकलती हैं तो क्या होता है कि जो हम ग्राफ डालते हैं ये ग्राफ पे इन द फॉर्म ऑफ लाइन और स्पाइक्स आता है मैं दिखाऊंगा देखिए ग्राफ इसका इंटेंसिटी एक्स एक्सरे एनर्जी ग्राफ तो यहां पे मैं अब दोनों दिखाऊंगा ब्रेमस्ट्रोहलिंग और कैरेक्टरिस्टिक व्हाट इज दिस दिस इज ब्रेमस्ट्रोलिंग एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कसड हाँ तो ये जो अब कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन आते हैं ये कैसे होते हैं ऐसे द फॉर्म ऑफ पिक्स दिस इज के एल्फा दिस इज के बीटा ठीक है हाँ तो यह क्या होता है यहां पर इन द फॉर्म ऑफ लाइन मिलते हैं दैट इज वाई कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं क्योंकि जो स्पेक्ट्रम मिलता है ग्रैप मिलता है इट इज प्रोड्यूसड इट इज ओब इन द फॉर्म ऑफ लाइन uh, और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो एनर्जीज है मैंने पहले ही बोला कि ये स्पेसिफिक एनर्जीज़ पे मिलते हैं तभी हम इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्यूं? क्योंकि ये जो स्पाइक हमें मिलते हैं एक्सरेज मिलते हैं ये कंटिन्यूसली नहीं मिलते हैं ठीक है हाँ तो इसलिए इसको हम अनकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं ठीक है हा देखिए दोस्तों अब हाँ, अगर हम क्या करेंगे अगर हम टंगस्टन एटम की बात करेंगे अगर हम टंगस्टन एटम की बात करेंगे ये न्यूक्लियस है केशल शेल ठीक है तो जो टंगस्टन एटम का केशल होता है इसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम एल शेल की बात करेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी होती है टेन पॉइंट फाइव किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अगर हम क्या देखेंगे अगर हम बाइनिंग एनर्जी डिफरेंस देखेंगे तो वो कितनी निकलेगी सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव माइनस टेन पॉइंट फाइव दैट इज फिफ्टी नाइन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अगर हम टंगस्टन टारगेट में देखेंगे ना यहां पे क्या होता है अगर एल से केशल वाली ट्रांजिशन हो जाए उसमें हमें ऐसे एक्सरेज मिलते हैं जिनकी एनर्जी 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं ठीक है हा तो जैसे मैंने ब्रेमस्ट्रोहलिंग रेडिएशन में बोला कि अगर हम क्या देखेंगे केवीपी पे कंट्रीब्यूशन देखेगी ब्रेमस्ट्रोहलिंग रेडिएशन की दैट इज 85 परसेंट तो इसी तरह अगर हम हैंड्रन केवीपी पे करेक्टरिस्टिक रेडिएशन की क्या देखेंगे कंट्रीब्यूशन देखेंगे

कोई क्वायरी होगी डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना फी अमान